फिल्मी न्यूज का 39 एपिसोड शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रामायण मूवी के लिए लारा दत्ता को अप्रोच किया गया है कैकेयी के रोल के लिए, और बॉबी देओल को अप्रोच किया गया है कुंभकर्ण के रोल के लिए। उसके बाद प्रभास की फिल्म कल्कि 2898 AD रिलीज होने वाली है 9 मई 2024 को। उसके बाद कमल हसन की नेक्स्ट फिल्म अनटाइटल KH-237 अनाउंस हो गई है, और इसको डायरेक्ट करने वाले है स्टंट डायरेक्टर्स अनबरव। उसके बाद प्रभास की नेक्स्ट फिल्म एक हॉरर और रोमांटिक कॉमेडी फिल्म होने वाली है, और इसका टाइटल रखा गया है द राजा साहब, डायरेक्टेड बाय मारुति। उसके बाद रामचरण की नेक्स्ट फिल्म गेम चेंजर प्लान कर रही है रिलीज करने की ऑन 2 अक्टूबर 2024 या फिर 11 अक्टूबर 2024 में। उसके बाद चिरंजीवी की सोशो फैंटेसी एडवेंचर मूवी जिसका टाइटल रखा गया है विश्वंभरा रिलीज होने वाली है संक्रांति 2025 में, यानी कि जनवरी 2025 में, डायरेक्टेड बाय वशिष्ठ। उसके बाद प्रशांत वर्मा सिनेमेटिक यूनिवर्स की नेक्स्ट फिल्म जो कि सीक्वल होने वाली है हनुमान मूवी की, उसका टाइटल रखा गया है जय हनुमान, और ये 2025 में रिलीज होने वाली है। उसके बाद सूर्या की नेक्स्ट फिल्म कंगुआ का सेकेंड लुक रिवील हो चुका है, और इसमें हमें पास्ट एंड फ्यूचर के इवेंट्स होने वाले हैं, और सूर्या का डबल रोल होने वाला है, या फिर ये एक री इंकारनेशन यानी कि पुनर्जन्म की स्टोरी हो सकती है। उसके बाद आयुष्मान खुराना को कास्ट कर लिया गया है फॉर सौरभ गांगुली की बायोपिक मूवी के लिए, और इस फिल्म को विक्रमादित्य मोटवानी डायरेक्ट करने वाले है। उसके बाद रितेश देशमुख विलन का रोल करने वाले है अजय देवगन की फिल्म रेड 2 में। उसके बाद सैफ अली खान की नेक्स्ट फिल्म एक कमर्शियल थ्रिलर फिल्म होने वाली है, डायरेक्टेड बाय मारी मूवी के डायरेक्टर बालाजी मोहन, जिसका टाइटल रखा गया है क्लिक शंकर, और इसको एक फ्रेंचाइज में कन्वर्ट करने का प्लान है, और इसमें वो एक इंस्पेक्टर का रोल करने वाले है जिसको एक रेयर कंडीशन होती है जिसमें वो अपने लाइफ के सारे मेमोरीज एंड इवेंट्स को याद रख सकता है और कुछ भी भूलता नहीं है, और उसका कैरेक्टर का नाम है शंकर रबेरो। उसके बाद विक्रांत मैसी, राशि खन्ना एंड रिद्धि डोगरा को कास्ट कर लिया गया है इन द साबरमती रिपोर्ट, और ये रिलीज होने वाली है 3 मई 2024 को, डायरेक्टेड बाय राजन चंडेल। उसके बाद मोहनलाल की फिल्म मल्लेकुट्टी वेल्लभन 2 पार्ट में रिलीज होने वाली है, और इसका सीक्वल कंफर्म हो गया है। उसके बाद चियान विक्रम की फिल्म थंगलन रिलीज होने वाली है अप्रैल 2024 में। उसके बाद आदा शर्मा की नेक्स्ट फिल्म बस्तर द नक्सल स्टोरी रिलीज होने वाली है 15 मार्च 2024 में। उसके बाद डायरेक्टर अभिषेक कपूर की नेक्स्ट फिल्म का टाइटल रखा गया है शराबी। उसके बाद पृथ्वीराज सुकुमार बसिल जोसेफ की नेक्स्ट फिल्म एक फैमिली एंटरटेनर फिल्म होने वाली है, और इसका टाइटल रखा गया है गुरुवायूर अम्बला नदईल। उसके बाद विद्या बालन, प्रतीक गांधी, इलेना डिक्रूज एंड सेंदिल रामामूर्ति की नेक्स्ट फिल्म दो और दो प्यार रिलीज होने वाली है 29 मार्च 2024 में, डायरेक्टेड बाय डेब्यूटेंट डायरेक्टर सृष्टि ठाकुरता। उसके बाद ऐश्वर्या लक्ष्मी, जोजू जॉर्ज एंड गौतम कार्तिक को कास्ट कर लिया गया है इन मणिरत्नम की फिल्म थग लाइफ में। उसके बाद रोशन मैथ्यू, निमिषा सज्जन एंड दिव्यांदु की नेक्स्ट सीरीज पोचर, डायरेक्टेड बाय रिचि मेहता, रिलीज होने वाली है 23 फरवरी को ऑन Amazon प्राइम वीडियो। उसके बाद महारानी सीजन 3 कन्फर्म हो गई है स्टारिंग हुमा कुरेशी। उसके बाद भूमि पेडनेकर की नेक्स्ट फिल्म भक्षक रिलीज होने वाली है 9 फरवरी 2024 को ऑन नेटफ्लिक्स, और इसका टीजर रिलीज हो गया है। उसके बाद ममूती की फिल्म ब्रह्मयुगम का टीजर रिलीज हो गया है। उसके बाद ऋतिक रोशन की फिल्म फाइटर का ट्रेलर रिलीज हो गया है। उसके बाद कृति सुरेश की नेक्स्ट फिल्म रघुताता का टीजर रिलीज हो गया है। उसके बाद टॉप गन 3 कन्फर्म हो गई है और उसके ऊपर काम शुरू हो गया है। उसके बाद डेडपूल 3 का टीजर हमको 11 फरवरी को देखने मिलने वाला है। उसके बाद आन्या चल्होत्रा को कास्ट कर लिया गया है एज सर्सी इन डीसी की नेक्स्ट सीरीज क्रीचर कमांडोज में। उसके बाद क्रिश्चियन बेल, एनेट बेनिंग, पेनेलोपी क्रूज, जेसी बकली एंड पीटर सार्सगार्ड को कास्ट कर लिया गया है इन मैगी जिलेनहॉल की फिल्म ब्राइड ऑफ फ्रैंकेंस्टाइन मूवी में। उसके बाद इजाबेला मर्चेंट को कास्ट कर लिया गया है एज डीना इन लास्ट ऑफ अस सीजन 2। उसके बाद जॉन क्रिजिंस्की एंड नैटली पोर्टमैन को कास्ट कर लिया गया है इन डायरेक्टर गाय रिची की नेक्स्ट फिल्म जिसका टाइटल रखा गया है फाउंटेन ऑफ यूथ। उसके बाद किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स अब रिलीज होने वाली है 10 मार्च 2024 को। तो आपको ये अपडेट्स कैसे लगे हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और लोगों के साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और वीडियोस देखने के लिए, और यहाँ पे आप हमारी लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर।